एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बहुत ही गरीब थी और उसके पास कुछ था भी नहीं जिससे कि वह अपनी रोजी रोटी चला सके। बुढ़िया का एक बेटा था जो अक्सर शहर में ही रहा करता था और उसकी एक बहू भी थी जो काफ़ी बुढ़िया को कष्ट देती थी और उसकी कोई भी बात नहीं मानती थी। बुढ़िया थोड़ी धार्मिक स्वभाव की थी, उसे पूजा पाठ करना बहुत पसंद था, लेकिन बहू के ऐसे बर्ताव के कारण वह पूजा नहीं कर पाती थी। बहू ना तो उसे कुछ सामान देती थी पूजा का और ना ही व्रत करने का फलाहार देती थी, इसलिए बुढ़िया पूजा पाठ नहीं कर पाती थी। एक दिन बुढ़िया अपने बहू से तंग आकर मंदिर की ओर चले गई और वहाँ पे जाकर बैठ गई और कहा कि जब तक मेरा पुत्र नहीं आएगा मैं इसी मंदिर में रहूँगी, यहीं पे मैं अपना बिस्तर लगाकर रात भर सोया करूँगी। इस तरह से एक दिन, दो दिन, तीन दिन कट गया। वहाँ पर एक लड़की आया करती थी। वह हमेशा देखती थी कि दादी यहाँ पे क्यों सोई रहती है, उसे बहुत ही आश्चर्य लगता था। उस गांव में एक खास बात था कि वहाँ पे कोई भी पूजा पाठ नहीं करता था। वहाँ पे बहुत कम लोग ही थे जो पूजा पाठ में विश्वास रखते थे। यह सब बुढ़िया देख करके उसे बहुत ही बुरा लगता था कि इस गांव की यह क्या प्रथा है जो यहाँ पे लोग पूजा नहीं करते हैं और भगवान पर विश्वास नहीं रखते हैं। बुढ़िया इस तरह से परेशान हो करके और यही सब बात दिन भर सोचा करती थी। एक दिन वह लड़की उस दादी के पास गई और कहा, दादी आप यहाँ पे क्यों रहते हैं, आपका तो घर है इस गांव में, फिर आप अपने घर में क्यों नहीं रहते हैं। बुढ़िया के आंखों में आंसू आ गए और बुढ़िया ने कहा, पुत्री मैं यहाँ भगवान का शरण ले चुकी हूँ, अब मेरे भगवान ही मेरे सब कुछ हैं, मैं यहीं पे रहूँगी, जब तक मेरा पुत्र शहर से नहीं आ जाता मैं यहीं पर रह करके अपना दिन का गुजारा करूँगी। यह बात सुनकर पुत्री वहाँ से चले गई। वह वहाँ पे रोज आती थी और अपनी दादी से मिला करती थी। एक दिन वह पुत्री कुछ प्रसाद लेकर आई और दादी को देने लगी। दादी ने पूछा कि हे पुत्री यह किस चीज का प्रसाद है जो तुम मुझे दे रही हो, तो उसने कहा कि दादी यह मैंने बृहस्पति देव की कथा की थी और पूजा की थी, यह उसी की प्रसाद है। तो दादी ने कहा कि तुम बृहस्पति देव का व्रत करती हो, इस गांव में तो मैंने सुना था कि कोई भी पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो इस बात को सुनकर उसकी पुत्री ने कहा कि हाँ दादी यह सच घटना है कि इस गांव में कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन मैं बृहस्पति देव का पूजा करती हूँ। यह सुनकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई और उसे ने कहा कि तुम मुझे क्या वहाँ ले जा सकती हो जहाँ पे तुम बृहस्पति देव का पूजा करती हो। तब बुढ़िया को वहाँ से ले करके वह चले गई और सब कुछ दिखाया कि देखिए दादी मैं यहाँ पे पूजा करती हूँ और यहाँ पे भगवान को फूल फाल भी चढ़ाती हूँ। बुढ़िया का मन बृहस्पति देव का कथा करने के लिए जाग उठा। वह वहीं अपने ही घर के पास में एक केला के वृक्ष में रोज पूजा करने लगी। बुढ़िया के पास तो ना ही फल था ना ही कुछ और सामान था जो वह चढ़ा सके, लेकिन वह उस पुत्री को कही कि पुत्री मेरे पास तो कुछ नहीं है जो मैं विष्णु भगवान जी को चढ़ा सकूं। तब पुत्री ने कहा, दादी आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने घर से आपको कुछ सामान ले करके दूंगी। इस तरह से कहकर वह पुत्री अपने घर से एक मुट्ठी चना का दाल और थोड़ा सा गुड़ लेकर दौड़ी भागी चली आई और हल्दी लेकर के दादी को और गुड़ और सब कुछ दे करके कहा कि दादी यह लीजिए, यह सारी सामान मैंने आपके लिए लेके आई हूँ, आप इससे पूजा कीजिएगा।
दादी बहुत ही खुश हुई और वहाँ पर जा कर के विष्णु भगवान जी का रोज रोज पूजा करने लगी और कहा कि हे विष्णु भगवान जी, अब तो मेरा पुत्र भी यहाँ नहीं है जिसको मैं अपना कष्ट और दुख भरी कहानी सुना सकूं। मेरी बहू तो ऐसी है जो मुझे एक टाइम का खाना देने के लिए भी कलपती है। बताइए विष्णु भगवान जी, मैं क्या करूं? मैं अपना भूख कैसे मिटाऊं? विष्णु भगवान जी यह सारी बातें सुन रहे थे और बुढ़िया अपना व्रत जारी रखी। हर बृहस्पतिवार को हल्दी का कुमकुम लगा करके, फूल चढ़ा करके, फल चढ़ा करके और भगवान को गुड़ और चना का दाल चढ़ा करके प्रसन्न करती थी। विष्णु भगवान जी ने उस बुढ़िया पे कृपा किए और वहीं के आसपास में और सारे केला के पेड़ उगा दिए। वहाँ पे एक पेड़ में बुढ़िया पूजा करती थी, वहाँ मानो 10-15 पेड़ अपने आप उग गए हो। कुछ समय के बाद उसमें फल आया, बड़े बड़े केले के सारे में फल आए और केला कुछ ही दिन में पक गए। केला को देख के मानो जैसे एक केला से किसी एक आदमी का पूरा पेट भर जाए। बुढ़िया बहुत ही खुश हुई और वहीं पर से हमेशा केला तोड़ती थी और खा करके अपना भूख मिटाती थी। इस तरह से वह समझ गई कि विष्णु भगवान जी मेरे ऊपर कृपा किए हैं। धीरे धीरे उस गांव के आदमी सब, औरत सब वहां से गुजरते थे और यह चीज़ देखते थे कि यह बुढ़िया हमेशा विष्णु भगवान जी का पूजा करती है और वहां पे बैठ करके कथा करती है। वहां के लोग कुछ आ करके और उसने कहा कि हे अम्मा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं तुम्हें रोज़ देखता हूँ कि तुम यहाँ पे पूजा पाठ करती हो। तो उसने कहा कि इस गांव में कोई भी पूजा पाठ नहीं करता है पुत्र, यह तो एक छोटी सी पुत्री है जो मुझे कहा कि हे दादी, मैं आपको पूजा करने में मदद करूंगी। मुझे तो इससे ही प्रेरणा मिली है और मैं यह पूजा पाठ करना प्रारंभ की हूँ। यह सुनकर के उन सब गांव वालों की बुद्धि खुल गई और वह भी हर बृहस्पतिवार को उस पेड़ में आकर के जल, फूल और फल चढ़ाया करते थे। इस तरह से केला का पेड़ और भी उगने लगे और उसमें बड़े बड़े फल आने लगे। तो हर गांव वाले वहां से फल लेकर के अपने अपने घर जाया करते थे। एक दिन बुढ़िया की बहू वहां पर आई और उसने देखा कि उसकी अम्मा इस तरह से पूजा पाठ करके भगवान को प्रसन्न की है। बुढ़िया की बहू की बुद्धि खुल गई और वह अपनी अम्मा को लेकर के घर आ गई और उसके साथ सुखी सुखी और खुशी खुशी रहने लगी। इस तरह से बुढ़िया और उसकी बहू अच्छे से रहने लगी और उसका बेटा भी जब भी आता तो देखता अपनी माँ और बहू को खुश है तो वह भी बहुत प्रसन्न होता। जिस तरह से भगवान विष्णु ने उन पे कृपा की है, आप सभी पे भी करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।